सीटों पर आप अभी मतदान करके निकले हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि देश की जनता और हमारा देश इंडिया दैट इज भारत जीतेगा। क्या मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं? बस यही कि अपने देश को बचाओ, संविधान को बचाओ, जनतंत्र को बचाओ और इस तरीके की तानाशाही की व्यवस्था जो जारी है और एक जहरीला ध्रुवीकरण जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो हो रही है उसको रोको। प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है कल रैली में कि जिस तरह से एक्यूज किया है कि कांग्रेस पार्टी शरिया लॉ को सपोर्ट कर रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को, ये तो हर दिन प्रधानमंत्री जो है अपने भाषणों में यही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और तेज करने की कोशिश कर जहरीला भाषण दे रहे हो। नियम है कि हमारे चुनाव आयोग इसके बारे में कुछ निर्णय ले और इसको रोके, वो अफसोस की बात है, नहीं हो पा रहा। और आखिरी सवाल, एक तरफ इंडिया अलायंस आप लोग का दावा है कि बहुमत मिल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि ऑलरेडी हम 5 पेज में 310 सीटें पार कर चुके हैं। वो उनका कहना है, कहना सबका है, लेकिन निश्चित है, देख लो यहाँ पे निश्चित है कि इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीट मिल रहा है।